नमस्कार फ्रेंड्स, मु विवेक आपनको स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोर ओडिशा को। एक्सप्लोर ओडिशा रे आज एक गुरुत्वपूर्ण कथा बा एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक उपरे आलोचना करबा। टॉपिक उपरे आलोचना करबा पूर्व फर्स्ट ऑफ ऑल किछि इंपोर्टेंट कथा किछि इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मु आपनको दबा को चाहूछि। जो टी शर्ट टे मु पिंधी छि आपन माने देखि परथुबे, मु टिके पाखो को जाऊछि, एठी लेखा हे छि सुनो सुना। ओके, सुनो सुना रो देखि के आपण कौन गेस करि पारुछन्ते। सुनो सुना व्हिच इज द इंडियाज फर्स्ट ऑडियो ऐप, व्हिच इज इंडियाज फर्स्ट लॉन्च्ड ऑडियो ऐप, जोठी के आपण माने 60 सेकंड रो ऑडियो अपलोड करि परिबे। जदि आपण को पाखरे गोटे भलो वॉइस अछि, जदि आपण को पाखरे किछि कहिबार क्षमता अछि, आपण जदि कैमरा सामना को आसीबा को डरुछन्ती एवं कैमरा फ्रेंडली नुहन्ती, ताहले आपण मानक पई बहुत बढ़िया ऐप लॉन्च हेछि जार नाम होछि सुनो सुना ऐप, जोठी आपण माने निजर वॉइस साहाज्य रे लोकमानक आगरे परिचित पाई परिबे। आपण सायरी कहिबा जानिचंती, आपण जदि डायलॉग कहिबा जानिचंती, आपण जदि गप कहिबा जानिचंती, आपण जदि गीत गाइबा जानिचंती, ओनली 60 सेकंड भितरे आपणकर ऑडियो को अपलोड करंतु सुनो सुना ऐप रे। सुनो सुना निजे सुनंतु एवं अन्य मानकु भी सुनांतु। जो माने भी ई ऐप विषय रे जानि नाहंती, जल्दी जल्दी जाई के आपणकर प्ले स्टोर रो डाउनलोड करंतु आप सुनो सुना, और जल्दी जल्दी आपणकर गोटे आईडी क्रिएट करंतु, आपणक मनपसंद रो आईडी क्रिएट करके सही आईडी रे आपणकर कंटेंट अपलोड करंतु, आ आपण भी बनि जानतु गोटे भलो कंटेंट क्रिएटर। ये तो थिला आप्स विषय रे आरंभ करबा आजिरो जो टॉपिक आजिरो आलोचना। बंधु, बहुत दिन धरी मुझ शुणुची इंडिया रे बहुत बड़ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गोटे फिल्म को नहीं, गोटे चलचित्र को नहीं बिवाद सृष्टि होती। आपण मैंने जाथ लाल सिंह चढ़ा, लाल सिंह चढ़ा जो चलचित्र रही आमिर खाँ जे कि नायक भूमिकार अभिनय कर लाल सिंह चढ़ारे। ओडिशार बहुत युवापीढ़ी, ओडिशार बहुत सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर मैंने कंटेन्ट से कंटेन्ट को चूज कर विभिन्न प्रकार ओपिनियन से शेयर करिछंती। बहुत लोक कहिछंती जे आमिर खान होची आंटी हिंदू, आमिर खान होउछंती आंटी हिंदू एवं से हिंदू विरोधी एवं से धर्म को विभाजन करिबारे तांकर बहुत हाथ अछि। एबले करीना कपूर खान ने बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड पर अब कुछ ऐसा कह दिया है लोगों को जो बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिल्म के साथ अब करीना के बयान पर भी बहस छिड़ गई है। आमिर खान ने अपना एक बयान देकर के लोगों के गुस्से को शांत करने की कोशिश की थी, वहीं 24 घंटे भी नहीं हुए और करीना ने फिर से इस विवाद को और बढ़ा दिया है, और बिल्कुल ये लग रहा है कि इसका खामियाजा लाल सिंह चड्ढा को उठाना पड़ जाएगा। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को अद्वैत चंद ने डायरेक्ट किया है। 11 अगस्त को ये रिलीज होगी। रिलीज में महज 9 दिन बाकी हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिल्म के भविष्य के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है, वो भी खास तौर से जब फिल्म का अच्छा खासा कंपटीशन है। जी हाँ, फिल्म का मुकाबला अक्षय कुमार की फैमिली ड्रामा रक्षाबंधन के साथ है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सबभी अनेक गुड़े मंत रही आमिर खाँ निज आमिर खाँ व्यक्ति आमिर खाँ व्यक्तित्व जीवन मध्य विषय मध्य बहुत लोग आलोचना करके कि झील सहित किभली संपर्क पर सहित किभली संपर्क ए विषय सोशल मीडिया बहुत चर्चा होता विषय मुर ओपिनियन देवा चाहूँगी। लाल सिंह चढ़ा विषय बहुत किसी कह कौन प्रकृत चलचित्रटी रही कहीं बिवाद विवाद प्रकृति में हवा दरकार कि विवाद रा आवश्यकता केते दूर अच्छी आ विषय मुझे चर्चा करी। आपण दयाकोरी भिडियोटी को फास्ट रु लास्ट पर्यंत शुणु, निहाती भाव में आपणपर लाल सिंह चढ़ा पचर कौन रहस्य अच्छे और कहीं बिवाद रा शिकार बना जावाद घर को टणा जा। लाल सिंह चढ़ा विषय को आसवा पूर्व आम प्रथम आलोचना करवा आमिर खाँ केतु चलचित्र जहाँ आगुरी भारतीय जनता भारतर केते गुड़िए नागरिक आपको विरोध करिछंती एवं आंटी हिंदूर नारा दे बॉयकॉट मध्य करिछंती। प्रथमतः देखिबा पीके चलचित्र, पीके चलचित्र होचे आमिर खान को अभिनीत एक बहुत बढ़िया चलचित्र, जो थी आमिर खान धर्मीय भावना उपरे आघात पकाइछंती बोली
ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ପିକେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ପିକେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ତାହେଲେ ପିକେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ପିକେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପିକେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଏଠି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁଠି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଯାଇଥିଲା, ବା କାହାଣୀରେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି। ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପିକେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କୌଣସି ସେଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାନି ଯେଉଁଠିକି ଧର୍ମକୁ କୁଠାରଘାତ କରାଯାଇଛି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ କୁଠାରଘାତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ପିକେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଶିବଙ୍କର ଜଣେ ନକଲ କରୁଥିବା ମଣିଷଟି ସେଇଟା ଫନି ୱେରେ, ଫନି ଅନ୍ଦାଜରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରାଯାଇ ସିନେମାରେ, ଶିବ ଭୂମିକାରେ କିଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଶିବ ବୋଲି କହିକି, ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିକି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫନି ଅନ୍ଦାଜରେ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ ଶିଖିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କେବେ ବି ମଣିଷ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବନି, ଭଗବାନର ସତ୍ତା କିଛି ଅଲଗା, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗକୁ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏହା ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଇଭଳି ଠକୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏଇଭଳି ଭଣ୍ଡୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପଥରକୁ ଥୋଇଦେଇ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ହଉ, ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଗୋଟେ ପଥରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଭଲ କରିଦେବୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବୁ କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଣ୍ଡ ବାବାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅନେକ ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଲୁଟରାମାନଙ୍କର ସତ କାହାଣୀକୁ ହିଁ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଲାଭ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ। ଯଦି ଆମେ ଥ୍ରୀ ଇଡିଏଟ୍ରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସେଠି ଦେଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ଟିଚର୍ ବା ଗୋଟେ ଠକ ଟିଚର୍ର ଚରିତ୍ର କେମିତି, ଗୋଟେ ଟିଚର୍ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ତାହା ବି ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କର କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭିଜନ୍ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଏବଂ ସେଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ କେମିତି ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଜନ୍ମ ହିଁ ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍, ଡକ୍ଟର୍, ଆଇଏଏସ୍, ଓଏଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଲଗା ଅନ୍ଦାଜ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଅଲଗା ଗୁଣ ଅଛି। ଏହି ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର କେମିତି ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କେମିତି ସେମାନେ ନିଜର ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଥ୍ରୀ ଇଡିଏଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଥ୍ରୀ ଇଡିଏଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇ, ଏଜୁକେସନ୍ ମାଫିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜାପାନ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ, ସବୁ ଅଦର୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠି ଏଜୁକେସନ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ନିଜ ନିଜ ସ୍କିଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସେମାନେ ବାଛିବେ, ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ବାଛିବେ। ବଟ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଜୁକେସନ୍ କହିଲେ କେବଳ ବିଧିବଦ୍ଧ ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଟକିକି ରହିଛି। ଏବଂ ସେହି କଥା ଉପରେ କାହାଣୀଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଥ୍ରୀ ଇଡିଏଟ୍, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବା ଜଣେ ୱିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଏ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ନାୟକ ବା ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟିର ଫିଲ୍ମ ଆଜି ଲାଲ୍ ଚଢ଼ା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଲାଲ୍ ଚଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ବହୁତ ଦଙ୍ଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଲାଲ୍ ଚଢ଼ା ସିନେମାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବିଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଲାଲ୍ ଚଢ଼ାକୁ ନେଇକି ନିହାତି ଭାବରେ ଦୂରେଇଯିବ। କାରଣ ଲାଲ୍ ଚଢ଼ାର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ପିଲା, ଗୋଟେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଯିଏକି ଯାହାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ସମୟରେ, ଏବଂ ଯାହାର ଇନୋସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନୋସେଣ୍ଟନେସ୍କୁ ଦେଖି ତାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ପିଲା କିଭଳି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, କିଭଳି ସଂଘର୍ଷ କରି ସେ ବାଟଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଏବଂ ତା ପାଗଳାମୀର ଓକାତ କ'ଣ ସେ ଦେଖେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଛି, ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଏବଂ ସେହି କାହାଣୀକୁ ଆଣ୍ଟି ହିନ୍ଦୁ କହି ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ହିନ୍ଦୁର ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଏସବୁ କରିବା ଜମାରୁ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅମୀର ଖାଁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ,
आउ अमित खान को विभाजीकरण नारा दे से धर्म ना विभाजीकरण करुँचे कहते मुझे कह धर्म को लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कि एत बड़ संथ एत बड़ ज्ञानी विश्व विजयी स्वामी विवेकानंद धर्म विषय गोटे मत हुए तो ये बद को एड़े पार से सब वाले कहते फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ देन बिलीव इन गॉड प्रथम निजक विश्वास कर तापर ही भगवान को विश्वास कर ये कथा भितर ये कथा को जब आम डीपली गभीर भाव में बुझा निहाती भाव में बुझीपर धर्म कौन भगवान कौन भगवान से तुम साथ देवे जो तुम्हें तुम निजक ही साय कर प्रथम भगवान कहले आम बुझुचे मंदिर मस्जिद या को लेकिन भगवान को आम तैयारी आम विभाजीकरण करे जदि आम चाहिबा ताले आम हृदयंगम कर जे हिंदू जो देवादेवी को पूजा करुछंती से भी भगवान अच्छा मस्जिद रे मुस्लिम जो पूजा करुछंती से भी भगवान अच्छा ख्रिश्चियन माने जो तांकर जहाँ रीति रिवाज रही भी भगवान अच्छा भगवान सबुटी अच्छा प्रथमतः यूनिवर्स भगवान द्वारा गढ़ाई भगवान ये विभाजीकरण माध्यम नुहंती भगवान ये एकत्रीकरण माध्यम भगवान ये हिंदुत्व हिंदुइजम मुस्लिम एंड ख्रिश्चियनिज्म ना रे डिवाइड करने भगवान सृष्टि है भगवान सृष्टि समस्ते स्वाधीन भाव में निजे निजर लॉर्ड को निजे निजर गॉड को बाछबार स्वाधीनता भी भगवान दे स्वाधीन भाव निजे निजर प्रभु को चयन करिवार स्वाधीनता भगवान दे किंतु आमे आकु राजनैतिक षड्यंत्र रचना करी आकु राजनैतिक फायदा क्षेत्र में व्यवहार करुचे हिंदुइजम नारा लगे लोक मान एकत्रीकरण कर भारत में विभाजीकरण करुचे आपण मैंने जानते भारत हूँ जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते एकत्रीकरण हो रही राष्ट्र आम ये विभिन्न जातिर विभिन्न वर्णर विभिन्न धर्मर लोक बसवास करुचे एकाठी बसवास करुचे जो भारत सारा विश्व ना कर सारा विश्व भारत प्रसिद्ध लाभ करु आज आम भारत को विभाजीकरण करने जो क्रूर चेष्टा करुचे जो घृण्य प्रचेषा करुचे आपको दृढ़ भाव निंदा करुचे जो मैंने भी ये विभाजीकरण जात्रा रे सामिल अच्छा से गोटे मात्र अनुरोध जे भारत भली एक राष्ट्र एक निरपेक्ष राष्ट्र ये समस्त कहार अधिकार अच्छे समस्त निज निजर ओपिनियन शेयर करार अधिकार अच्छे या बंद करूँ आउ गोटे कथा देखि विगत बजरंग बाली जयंती हनुमान जयंती किसी युवक किसी यूथ हनुमान से जो नाली रंगर पताका धरी बजरंगी जयंती पालन करते हिंदू उत्सव भाव में पालन करते केवल एति कह हिंदू उत्सव को मनवाई कौन सी केवल आम हिंदू कहीकि एकत्रीकरण हो नारा लगे हिंदू उत्सव को मनवर मान ही किसी ना हिंदुत्व आम भितर अच्छी हिंदुत्व एक चिन्ह ना हिंदुत्व राजनीति को आग को नापी हिंदुत्व को व्यवहार करवा यह एक घृण्य चिंताधारा तेणु एति अनुरोध रिक्वेस्ट आज वीडियो रे शेषर एति कह लाल सिंह चढ़ा हो बहुत भल चलचित्र बहुत उत्तम चलचित्र आपन जिते जाकि प्रेक्षाय देखिए बहुत किसी शिखा को मिले एमती घृण्य चलचित्र ना कि एमती कौन सी दृश्य देखा जाए जो थी कि हिंदुत्व को बलि दि जाइए वीडियो भल लगुच जदि वीडियो किसी शिखा को मिलूँ तो निहाती भाव में आपको सब्सक्राइब करेंगे द एक्सप्लोर ओडिशा मो चैनल एवं शेयर करेंगे अन्य मान पाखे पहुँचे ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती लोक मैंने भल जिन जानतु भल कथा शिखतु एवं लोक माखे प्रकृत कथा पहुँचु ये इनफर्मेसन लोक माखे पहुँचु जो प्रकृत में कहीं कंट्रोवर्सी प्रकृत में युवपीढ़ी जानतु से मुहर जो अंधपुटुली बंधा जाइए से जो भाई भाव में मता जाऊँ तता दूँ ये भिडियो देखला हुए तो से सचेतन हो पारे ये मोर आशा रोचे नमस्कार द एक्सप्लोर ओडिशा नमस्कार।